नमस्कार दोस्तों, देश की बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, मैंने कल ही एक वीडियो देखा। उस वीडियो देखकर एक आइडिया आया, तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर कुछ बोला जाए। दोस्तों, त्यौहार का समय है। त्यौहार में हम सब दिल खोलकर दान देते हैं, चाहे वो मंदिर हो या पूजा के पंडाल के लिए। दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, अभी छठ पूजा आने वाली है। इस दौरान हम जी भर के दान देते हैं पूजा पाठ के लिए। मंदिरों में चढ़ावा बढ़ जाता है। हालांकि जो इस विषय पर बहुत सारी मूवीज बन चुकी है, बहुत सारी बातें हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें दोहराई जा रही है। इसलिए इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिस दौर में इस देश में इतनी गरीबी है, जिस दौर में लोग भूखे रहने के लिए मजबूर हैं, जिस दौर में पैसे की कमी के वजह से लोग भीख मांगते हैं, जिस दौर में जॉब की कमी के वजह से लोग सड़कों पर यूं ही बैठे हुए देखे जा सकते हैं, उस दौर में मंदिरों पर इतना चढ़ावा चढ़ाने क्या जायज है? मुझे लगता है इस पर सोचने की जरूरत है सबको, और इस पर लगातार बहस होने की जरूरत है, इस पर लगातार मूवीज बनने की जरूरत है, इस पर लगातार प्रोग्राम बनने की जरूरत है। यही वजह है कि मैं भी अभी आपके सामने बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं पढ़ रहा था कि अभी भी देश के 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिनकी कमाई केवल 1.25 पर डॉलर है, यानी 2 डॉलर भी नहीं है इस देश में, एवरेज अगर निकाला जाए तो एक व्यक्ति की कमाई। और ये खासकर जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, ये 21% लोग, उनकी कमाई जो है 1.25 डॉलर से भी कम है। 1.2 डॉलर यानी लगभग आप मान लीजिए 150 रुपये के तकरीबन, उससे भी कम है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। हम मंदिर या मस्जिद या चर्च या जितने भी पूजा पाठ हैं, इसमें जो दान देते हैं किस लिए देते हैं? आई डोंट नॉट अंडरस्टैंड। उद्देश्य क्या है? ताकि ईश्वर खुश हो। आपको नहीं लगता कि किसी गरीब को अगर हम खाना खिला दें तो ईश्वर ज़्यादा खुश होंगे? किसी एनजीओ को या जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं, अगर उनको हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर दें, तो आपको नहीं लगता कि हमारा ईश्वर ज़्यादा खुश होंगे? सोचिए कि जो मंदिर में जो बैठे हुए पंडित या पुजारी होते हैं, उनके पास कितना पैसा होता है? सोचिए, कभी आपने सुना है कि किसी मंदिर का पुजारी को भूखा रहना पड़ा, वो बहुत गरीब है, उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है? नहीं ना, क्योंकि लोग हिंदुस्तान जैसे देश में लोग बहुत धार्मिक हैं। केवल हिंदू ही नहीं, दूसरे धर्म के लोग भी जो इस देश में रह रहे हैं, क्योंकि ये देश आस्था का देश कहा जाता है। इट इज़ ए डिवोशनल कंट्री। दोस्तों, अगर हम इतिहास में जाएंगे तो धर्म की बहुत अहम भूमिका रही है मानव सभ्यता में। आप चाइना या यूनान की सभ्यता को हटा दें तो भारत की सभ्यता सबसे पुरानी है, और वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशंस पूरी दुनिया का भारत में ही पैदा हुआ। उस समय धर्म ने अहम भूमिका निभाई। धर्म एक पेरेंट, एक गार्जियन बनकर उभरा और लोगों को जीवन जीने का सलीका सिखाया। आप वेद पुराण उठा लीजिए, उसमें जीवन जीने का तरीका वर्णन है कि कैसे बच्चों को पालना चाहिए, क्यों पैसा कमाना जरूरी है, क्यों घर का कर्तव्य निभाना जरूरी है। ये तमाम जितने भी वेद पुराण हैं, हिंदू धर्म में क्यों, मुस्लिम में, कुरान धर्म में, कुरान में भी सिखाया गया है कि किस तरह से एक इंसान अच्छा व्यक्ति बन सकता है, समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है। उसी तरह बाइबल और सिख धर्म में भी, जैन, पारसी, सारे धर्म ने सिखाया है कि आप अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, आपका कर्तव्य क्या है सोसाइटी के लिए, गरीबों के लिए, आप कैसे ईश्वर को खुश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत दुख की बात है, मुझे याद है हमने इतिहास पढ़ी है कि मध्यकालीन दौर में, जो कि 700 ईस्वी से शुरू होता है से लेकर 1600 से 1700 ईस्वी तक, किस तरह चर्च चर्च पर गलत काम होता था, ईश्वर के नाम पर कैसे लोगों को लूटा जाता था यूरोप में। उस समय यूरोपियन समाज जंजीरों में बंधा हुआ था, लेकिन उस जंजीर से उभरा। कैसे उभरा? तो साहित्य पढ़कर। वहाँ एक जागरण अभियान चला दोस्तों, कुछ इसी तरह जागरण अभियान की जरूरत है। हालांकि इस देश में कई बार पुनर्जागरण हुआ धर्म को लेकर, चाहे वो कबीर की बातें हो या मीराबाई की बातें हो या सूफी संत
जो सूफी आंदोलन चला था, वो उन सबों ने मानवता पर जोर दिया। उन सबों ने कहा, ईश्वर को खुश करने से अच्छा है कि आप सामाजिक कार्य करें। ईश्वर कर्तव्य से खुश होता है। अगर आपका कर्तव्य अच्छा है तो भगवान खुश होंगे। अलमाइटी को पैसा नहीं चाहिए, इसलिए जब भी आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी, आखिर इंसान मेहनत से पैसा कमाता है, उस मेहनत के पैसे को अगर आप मंदिर में चढ़ा रहे हैं, तो प्लीज प्लीज एक बार तो सोचिए कि मंदिर के बाहर खड़ा जो व्यक्ति भीख मांग रहा है, उसे ज्यादा जरूरत होगी। बहुत खेद की बात है, जब मैं जो देखता हूँ मंदिरों में जो पंडित लोग होते हैं, कभी देखा कि एकदम पतला दुबला हो, बीमार जैसा हो, जिसके पास पैसे ना हो, पेट धंसा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति किसी मंदिर में देखा या किसी मस्जिद में? नहीं ना। तो दोस्तों आप सोचो, जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, जिनको समाज इतना प्रतिष्ठा देता है, उनको इतना पैसे की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है भी तो वो कमा सकते हैं, वो जॉब करते हैं, उनका पार्ट टाइम काम होता है मंदिर में। तो बस घूम फिर के बात एक यही आती है कि इंसानियत या धर्म। धर्म का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप सारे रिचुअल्स को फॉलो करें, ये नहीं होता कि ईश्वर को चढ़ावा चढ़ाए ही चढ़ाएं। धर्म का मतलब मानवतावाद को बढ़ावा देना भी हो सकता है, होता है, इनफैक्ट पूरक है इंसानियत का धर्म, या धर्म का इंसानियत। बोथ आर द कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। धर्म के बिना इंसानियत, इंसानियत के बिना धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती, ये समझने की जरूरत है। आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के घर में आप जाएं तो बाबाओं के फोटोज मिल जाते हैं, बाबाओं के जंतर मिल जाते हैं, बाबाओं के लॉकेट मिल जाते हैं, कैलेंडर मिलते हैं। ये बाबा कल्चर ने डुबा दिया इस देश को। यही वजह है कि जो रियल समस्या है मंदिरों में कभी डिस्कस नहीं की जाती। आपने कभी सुना कि मंदिरों में गरीबी पर चर्चा हो रही है, मंदिरों में कभी बेरोजगारी पर चर्चा हो रही है, या मस्जिदों में कभी चर्चा हो रही है कि समाज क्यों पिछड़ा हुआ है, लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, दहेज प्रथा क्यों अभी तक है, जाति पाति के नाम पर लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि वो चाहते ही नहीं हैं। असल में वो आपको माया जाल में फंसा कर रखते हैं ताकि पैसा आए उनके पास। तो दोस्तों प्लीज, भारत को अगर जागरूक भारत बनाना है, भारत देश को अगर आप प्यार करते हैं, इसको आगे ले जाना है, तो अपना योगदान दीजिए। उसके लिए जरूरी है कि आप एक अच्छा भारत बनिए, एक अच्छा पेरेंट बनिए, क्योंकि आपको देखकर ही तो बच्चे सीखेंगे। अगर आपको चढ़ावा चढ़ाते हुए एक मूर्ति पर देखेंगे बच्चे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? वो भी बड़ा होकर वैसा ही बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो चीजें सीखे सीखा है जिंदगी में, वो भी तो अपने माँ बाप से ही सीखे हैं ना, अपने माँ बाप, चाचा, बड़ों से। तो कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। नया भारत सबल भारत होना चाहिए। नए भारत में कोई बच्चा शनि महाराज के नाम पर भीख मांगता हुआ नहीं दिखना चाहिए सड़क पर। नए भारत में कोई भी गरीब ना हो, ऐसी कल्पना कीजिए। हालांकि ये सब बातें भाषणबाजी लगती है, लेकिन देश की सच्चाई तो यही है ना कि हमारी माँ जब पूजा करने जाती है तो मंदिर में पैसे डालती है, चढ़ावा देती है। हनुमान जी के मंदिर में खुद हर मंगलवार को जाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ भगवान को ऐसे पैसा फेंकता है। बहुत दुख होता है देखकर कि भगवान अगर व्यक्ति होते हैं तो थप्पड़ मारते हैं इन भक्तों को कि आप तुम मुझे पैसे दे रहे हो। तो दोस्तों प्लीज सोचिए इन सब विषयों पर। अगर आप सोचेंगे, अपने दिमाग की खिड़की और दरवाजे को खोलिए ताकि नए ख्याल आ जाए। नए ख्याल आते आएंगे तभी नया भारत बनेगा। बाकी आप भारत माता की जय सुबह शाम बोलते रहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ज़्यादा बोलूंगा तो आपको इरिटेशन होगा, पर ये सब सच्चाई है। डू थिंक ऑन दिस। थैंक यू सो मच। शेयर माई चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये चैनल बड़ा होगा तभी मैं और बेहतरीन प्रोग्राम्स आपके समक्ष लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना। थैंक यू।